हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अ प्रो। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डाइट चार्ट, स्वीट कॉर्न चार्ट भी बोल सकते हैं इसे। ये बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी है। और आपको पता है, इस चार्ट से हमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस, बहुत सारी फाइबर, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। बहुत अच्छी चाट है, हेल्दी चाट है। इसको आप घर पे बनाएंगे और आप ना इसे अगर दिन में एक बार भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपका बड़ी जल्दी से वेट रिड्यूस होता है। और इसके अंदर जो हमारे शरीर को चाहिए वो सब कुछ है। ये बहुत हेल्दी चाट है लेकिन बहुत यम्मी भी है। तो चले कुछ नया, कुछ अच्छा सीख लें आज। डाइट चार्ट के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने एक बड़ा कप स्वीट कॉर्न लिया है, थोड़ा सा धनिया लिया है, ये हरा प्याज लिया है चॉप करके, ये बंद गोभी का पत्ता है, एक मैंने खीरा लिया है, एक गाजर ली है, आधा नींबू लिया है, शिमला मिर्च ली है, ये आधी यूज़ करेंगे, दो टमाटर लिए हैं, एक हरी मिर्च ली है, ये मैंने लिया एक प्याज, ये चाट मसाला एक चम्मच, ये आधा चम्मच काली मिर्च है, स्वाद अनुसार काला नमक है, ये हरी चटनी ली है और साथ में ली है लाल चटनी। अब इन जो स्वीट कॉर्न है इसको हम धो के बॉईल कर लेंगे। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं इसे धो के ले आई हूँ और थोड़ा सा ही पानी मैंने बर्तन में डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और नमक डालने के बाद इसको मैंने बॉईल करने रख दिया है। अब ये बॉईल हो गया है, अब हम इसे पानी निकाल देंगे इसका। और उसके बाद हम अपनी जो प्याज, जितनी भी सब्जियां हैं, अच्छे से चॉप कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि चॉप करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे फाइनली चॉप करना है। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि गाजर, प्याज और ये मैं काट रही हूँ, खीरा, ये मैंने सारा फाइनली चॉप किया है। इसको बारीक बारीक ही काटना है जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ये ले आई हूँ मैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को बस हम आधा ही यूज़ करेंगे। अगर आप शिमला मिर्च का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, आप नहीं भी डालिए। इसमें से जो सब्जी आप खाते हैं वो आप डाल लीजिए और जो नहीं खाते हैं उसे मत डालिए। ये छने हुए आ गए हैं स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न का सारा पानी मैंने निकाल दिया था और अब मैंने सारी सब्जियां जो मैंने अच्छे से चॉप करी हैं, फाइनली चॉप करी हैं, उसे मैंने स्वीट कॉर्न के ऊपर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्च भी बारीक काट के डाल देंगे। ये बहुत हेल्दी है, बहुत यम्मी है। ये देखिए, अब मैं पत्ता गोभी को अच्छे से मैंने साफ किया है और धो के अच्छे से मैं अब इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये डाइट चार्ट है। अगर ये एक टाइम अपने डाइट में आप खाएंगे ना तो आपका 5 से 6 किलो वज़न कम हो जाएगा। मैंने हरा प्याज डाल दिया है इसके ऊपर और अब मैं डाल रही हूँ हरी चटनी और साथ में डाल दी है मैंने लाल चटनी और अब मैंने डाल दिया है चाट मसाला इसके अंदर। ये है हमारा नमक, काला नमक डाला है, आप चाहें तो सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। एक छोटा चम्मच मैंने काली मिर्च डाली है और ये मैंने डाल दिया फाइनली चॉप किया हुआ धनिया। अब इस सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते टाइम मैं आपको बता रही हूँ, ये एक बहुत अच्छा रेसिपी है अपना वज़न कम करने के लिए। अगर आप दिन में एक बार रोटी छोड़ के इस वाली चाट को खाएंगे ना तो आपका वज़न महीने भर में 5 किलो कम हो जाएगा। और ये देखिए, ये मैंने डाल दिया है नींबू, आधा नींबू डाल दिया है, नींबू और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। अब नींबू को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बन गई हमारी ज़बरदस्त चाट, जो जो टेस्ट में यम्मी और बढ़िया तो है ही, टेस्टी बहुत है, लेकिन यह हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे पहुंचाती है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें प्रोटीन है, इसमें आयरन है। हमारे शरीर को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना हेल्दी रहने के लिए, इस चाट में वो सभी कुछ है। और ये दिखने में भी बहुत अच्छी दिख रही है और खाने में तो उससे ज़्यादा अच्छी है।
लग रही है ना, बहुत टेम्पटिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और आप अगर लाइक करोगे ना तभी ये वीडियो आगे लोगों तक पहुंचेगा। ये बहुत हेल्दी चाट है, एक बार मेरे कहने से इसे अपना के देखिए। एक महीना खाने के बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका वज़न कम हुआ कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।